हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमविजॉब्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? यूपीएससी की 2019 के लिए कैलेंडर जारी हो चुका है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पे भी इसकी तैयारी चल रही है। और इसी क्रम में आज हम लोग सी सैट जी एस के लिए पार्ट टू के वीडियोस लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 7 से लेकर के क्वेश्चन 34 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इस प्लेलिस्ट के थ्रू तकरीबन हम लोग 10,000 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आ चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डायलिसिस इज यूज्ड फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, जो डायलिसिस होता है वो किस पेशेंट के लिए होता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं किडनी ट्रबल, लीवर ट्रबल, लंग ट्रबल और ब्रोंकाइटिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है किडनी ट्रबल। तो इसका आंसर ए जो है वो ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्स रीडिंग इज डन बाय डॉक्टर्स टू फाइंड आउट, जो पल्स रीडिंग है वो डॉक्टर्स के थ्रू की जाती है। आपने अगर कभी क्लिनिक आप गए होंगे तो डॉक्टर साहब जो है कि पल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या करने की कोशिश करते हैं? पहला ऑप्शन है टेम्परेचर देखने के लिए, हार्ट बीट देखने के लिए, ब्लड प्रेशर या फिर रेस्पिरेशन रेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हार्ट बीट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर हाउ मेनी डेज रेश अपीयर्स ऑन द बॉडी आफ्टर द अटैक ऑफ मिजल्स, मिजल्स के अटैक होने के कितने दिन बाद जो है कि रैश आ जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो 1 डे, ठीक एक दिन बाद आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है कि द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी सेट्रल एक्टिविटी इज, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटी सेट्रल एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर इन एन ओपन पॉन्ड रिमेन्स कूल इवन इन हॉट समर बिकॉज, तो इसके कहने का मतलब है कि जो वाटर है वो ओपन पॉन्ड में अगर वाटर है तो वो कूल रहता है जबकि गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है वाटर एब्जॉर्ब्स हीट लेस रैपिडली देन द एटमॉस्फेयर, जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर से जो हीट है वो बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, यही इसका रीज़न है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यूपीएससी के जीएस सीसेट को तैयार कराने के साथ साथ ही हम हमारे चैनल पे यूपीएससी के लिए एक और एक प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं। और यह पूरा तरीके से जो बना हुआ है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही बना हुआ है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर किया जाएगा। उसके साथ ही यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के लिए भी वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको तैयारी के लिए, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा है, कह रहा है कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार एंड अ थंडर स्टॉर्म सडनली टेक्स प्लेस, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। क्या है कि आप कार से जो है कि ट्रैवल कर रहे हैं और एक थंडर स्टॉर्म आता है, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो इसमें आप क्या करेंगे, स्टॉप द कार, गेट आउट ऑफ इट एंड लाई फ्लैट इन द फील्ड,
स्टैंड बिलो अ ट्री, गो टू अ नियर बाई वुड पोल एंड स्टिक टू इट, लाई फ्लैट इन द कार। आपका पहला स्टेप क्या होगा? तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर थंडर स्टॉर्म आता है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप पेड़ के नीचे कभी ना खड़े हों, क्योंकि तो पेड़ गिरने के चांसेस अधिक हैं। और अगर आप कार में हैं तो फिर वुड पोल के पास आप अगर जाते हैं तो वुड पोल के भी गिरने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे वुड पोल के पास जाना और उसे चिपक कर खड़े होना, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ए, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कह रहे द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सब्सटेंस कौन सा है? तो इसमें जो स्मोक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इनक्लोज्ड इन अ रूम देन, अगर एक रूम है और उसमें जो कि आवश्यकता से अधिक लोग आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। जी हाँ, इसका जो पहला होगा ऑप्शन ए वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज, ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये NCERT के क्लास 6th में इस बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर 15th का डी, ये क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं। एंड द अदर क्वेश्चन इज़ हायर प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन एज, जो हायर प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं, नाइट्राइट्स के फॉर्म में कि नाइट्रेट्स के फॉर्म में कि नाइट्रेट्स एंड अमोनिया के फॉर्म में या फिर यूरिया के फॉर्म में? तो इसका जो आंसर होगा वो नाइट्रेट्स होगा, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लिया जाता है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं UPSC में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम लोग हायर लेवल की तैयारी करते हैं, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्रीन प्लांट्स इन द सी आर यूजफुल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ फिश बिकॉज, जो ग्रीन प्लांट्स हैं समुद्र में वो यूज़फुल हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन ऑफ फिश। तो अब इसको क्या इसका रीज़न है ये देखते हैं। इसका रीज़न है दे गिव आउट ऑक्सीजन। 17th का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो कह रहा है स्ट्राइप्स ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स आर द इंडिकेशन ऑफ, जो एनिमल्स हैं उनके पीठ पर स्ट्राइप्स जो पड़ते हैं वो किस चीज़ के इंडिकेशन है? वो इंडिकेशन है मैचिंग ऑफ स्किन कलर विद सराउंडिंग्स। यस फ्रेंड्स, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो ए नहीं होगा, वो आंसर होगा डी, मैचिंग ऑफ स्किन कलर विद सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस्ड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंपोस्ट। यूरिया पूरी तरीके से नहीं है, अमोनिया सल्फेट नहीं है, नाइट्रेट्स नहीं है, लेकिन कंपोस्ट जो है वो है पूरे तरीके से बैलेंस्ड फर्टिलाइजर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन के थ्रू ये जो है कि इम्यूनाइज्ड नहीं होता, वो क्या है? टाइफाइड, हुपिंग कफ, टेटनस या फिर डिप्थीरिया। तो इसका ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टाइफाइड। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक क्लियर किया और हमने ये देखते हैं कि बहुत ही इजी लेवल या हमारा जो है वहाँ से पूछता है अगर हम बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, NCERT या जो भी बुक्स हैं, जो प्रेफर्ड बुक्स हैं उनको अगर अच्छे से पढ़ें तो इसको निकालना टेढ़ी खीर नहीं होगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है मिल्क फीवर इन काउज ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। गाय में एक बीमारी होती है मिल्क फीवर, वो किसके वजह से होती है? तो वो होती है कैल्शियम की वजह से। आफ्टर हैचिंग बाय द हेन द यंग चिक्स कम आउट ऑफ एग्स विद इन, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, 3 हफ्तों में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फास्ट ग्रोइंग ट्री, इसमें ऐसा कौन सा जो पेड़ है वो जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, टीक, यूकेलिप्टस, बनियान या फिर कोकोनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कह रहा है कि डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट्स इन, हमारे ब्लड में जो है कि हमारे शरीर में जो सेल्स पाई जाती हैं, जो ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं वो RBC है, WBC है, फिर प्लेटलेट्स हैं। तो अगर जो WBC है उनको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, अगर उसमें डिक्रीज होता है तो फिर इसमें से क्या हो सकता है? सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, डिक्रीज इन एंटीबॉडीज़। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ इन इंडिया पीपल सफ़र फ्रॉम अनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ, अनीमिया एक बीमारी का नाम, ये किसकी कमी से होता है? सो सिंपल सी बात, आयरन, आयरन की कमी से होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। फिर है कि रेस्पिरिन डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सरपेंटिना इज़ यूज टू, तो सरपेंटिना किस लिए यूज़ होता है? 26th का बी, एलिवेट हाई ब्लड प्रेशर। आफ्टर इट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कह रहा है कि इन इंडिया इट इज़ फाउंड रिसेंटली दैट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इज़ इंक्रीजिंग, कह रहा है कि अभी देखा गया है कि भारत में मलेरिया जो है कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्या रीज़न है इसका? तो द मॉस्किटोज हैव बिकम DDT रेजिस्टेंट ऑफ पावर्ड इन विलेजेस ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशंस ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू मेंटेन क्लीननेस एवरीवेयर। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ए, जो मॉस्किटोज़ हैं वो DDT रेजिस्टेंट, तो मॉस्किटोज़ हैव बिकम DDT रेजिस्टेंट, मतलब ये कि जो DDT का जो छिड़काव होता है वो अब उसको सह ले रहे हैं, इसलिए ऐसा कंडीशन हो रहा है। आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, अगर आप ये चीज़ अगर वो उसके लिए जो है कि अभ्यस्त हो चुके हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स ये रहा, अब आप आते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लेस ड्यू इज़ फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज क्लाउड्स एब्जॉर्ब बिकॉज क्लाउड्स एब्जॉर्ब द फॉलोइंग ड्यू, क्लाउड्स स्कैटर मॉइस्चर इन क्लाउडी नाइट्स द रेडिएशन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, इन क्लाउडी नाइट्स द रेडिएशन टेक्स वेरी क्विकली। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 28th का सी, इन क्लाउडी नाइट्स द रेडिएशन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, कह रहा है कि फीडिंग ऑफ मिल्क कैटल विथ कॉटन सीड्स इंक्रीज फैट कंटेंट टेम्पररली, डिक्रीज फैट कंटेंट टेम्पररली मे बिकॉज और इंक्रीज फैट कंटेंट कॉज नो चेंज इन फैट कंटेंट। तो अब इसका 29 का जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, अगर कॉटन सीड से आप उसको फीड कराते हैं तो फैट कंटेंट टेम्पररली इंक्रीज करना चाहिए। माउथ एंड फूट डिजीज इन कैटल आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया वायरस फंजाई या फिर पेनिसिलियम, तो इसका आंसर होगा वायरस, वायरस के थ्रू ये होता है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि अ बॉडी पार्शियली फ्लोट्स इन वाटर, एक बॉडी है और वो वाटर में पार्शियली तैरेगी, पार्शियली का मतलब होता है कि कुछ डूबी हुई होगी
और कुछ ऊपर होगा, मतलब कुछ भाग उसका पानी के अंदर होगा और कुछ भाग पानी के ऊपर होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, कब होगा? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 31 ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन, करा द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, एडिंग कॉस्टिक सोडा डिस्टिलेशन या फिर एडिंग सोडा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 इज बॉइलिंग, इट इज़ द करेक्ट आंसर। मेरा ये अच्छा नहीं बना, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, ये लीजिए। इसके बाद है कि इन समर मैन विद एक्सेस परस्पिरेशन फील्स वीक बिकॉज द ऑफ द लॉस ऑफ मोर वाटर थ्रू इवेपोरेशन, लॉस ऑफ सॉल्ट थ्रू इवेपोरेशन, लॉस ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू इवेपोरेशन, ऑल फैक्टर्स मेंशन अबव। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 विल बी ए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड आफ्टर इट वी हैव टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 34, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। द क्वेश्चन इज द टू ब्रांचेज ऑफ अ प्लांट गिव टू डिफरेंट फ्रूट्स, टोमैटो एंड ब्रिंजल, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाई हाइब्रिडाइजेशन, बाई ग्राफ्टिंग विद वन अनदर विद द अदर, बाई नेचर्स फ्रीक, बाई ए और सी मैंशन अबव। कहने का मतलब एक पौधा है उसके दो ब्रांचेज हैं और एक ब्रांच से टोमेटो मिल रहा है, दूसरे ब्रांच से ब्रिंजल मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 इज बी, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग वी विल बी एबल टू गेट टोमेटो एंड ब्रिंजल विद ओनली वन प्लांट। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इस बारे में हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में टोटल हम लोग 10,000 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी में सी सैट में आया हुआ है, प्री में आया हुआ है। मैं सीधे सीधे कहूँ जो करंट अफेयर्स के या फिर जनरल साइंस के या फिर जीके के जो क्वेश्चंस हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एंड अदर स्टेट सर्विस सिविल एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों में या फिर ऐसे लोग जो कि क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उस वीडियो को देखें, ज़रूर हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।